हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की एनर्जी लेकर फॉर कमिंग 36 आवर्स। तो आने वाले 36 घंटे के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या वार्निंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी आने वाले 36 घंटों में, ये सब हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। शुरू करते हैं, ये दो डेक मैं आज यूज़ करूँगी, तो शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। क्या एनर्जी रहेगी 36 घंटे आपके पार्टनर की, प्लीज़ गाइड करें। 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक आ गए हमारे पास। 5 कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है आपको। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, एस ऑफ सोर्ड्स। इनकी दाढ़ी देखो देखा नहीं, किसी ने कहा नहीं दिखा ओके। वी हैव द सन। मैं बहुत बदमाश हूँ गाइज, बहुत ज़्यादा परेशान है सब लोग मुझसे। द स्टार, ठीक है। तो 5 कार्ड ले लिया हमने, इस डेक से भी हम 5 कार्ड लेंगे कमिंग 36 आवर्स। मेरे व्यूवर्स को लेकर आपके पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाली है कमिंग 36 आवर्स। 5वां हम अपने से ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यिन एंड यांग। ठीक है, तो कैसी एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की? देखिए, ओवरऑल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी के कारण थोड़ा सा आप लोगों के बीच में डिस्टेंस रहेगा। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन आपके साथ हैं तो भी और नहीं हैं तो भी, ये आपके बारे में ओवर थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा ऑब्सेसिव थिंकिंग है, जैसे ये आपको एक मैसेज ही कर दें, आपका हलचल ही ले लें, किसी दोस्त से ही आपका हलचल ले लें, इस तरह की वाइब्स है। मतलब ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे। एक्शन लेने की भी एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि कमिटमेंट अभी दे पाएँ या ना दे पाएँ उसको साइड में कर दो। यहाँ पर ऐसी वाइब्स है जैसे मैं कमिटमेंट तो अभी नहीं दे सकती या नहीं दे सकता, बट हाँ मुझे याद आ रही थी तो मैं बात करने आ गया, ये वाली एनर्जी है। तो आप में से कई लोग अभी नेक्स्ट कुछ दिन में, ये कितने दिन की एनर्जी है, 36 घंटे मतलब 1.5-2 दिन के अंदर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आने वाले हैं कि मैम मेरे पर्सन आ तो गए बट कमिटमेंट नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? बिकॉज अभी भी इनकी प्रॉब्लम चल रही है, अभी भी इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपके पर्सन होपफुल हैं कि आगे चल के ये प्रॉब्लम्स को निपटा लेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं, और जो भी चैलेंजेस हैं ये इंडिपेंडेंट होकर उन चैलेंजेस को फेस करेंगे। यहाँ पर ही देखिए, ये बियर्ड मैन की एनर्जी में यहाँ 3 हार्ट आपको दिख रहे हैं, ये सोच रहा है आपके बारे में। आपका पर्सन मेल है तो भी, फीमेल है तो भी, ये अपने आप को बैलेंस में करने की एनर्जी है, कहीं शांति से बैठना और आपके बारे में सोचते रहना, आकाश को देखकर सोचते रहना, पानी को लेकर सोचते रहना, पेड़ पौधों को देखकर सोचते रहना, अपनी ही सोच में है, अपने ही विचारों में है। और ये भी जानते हैं कि जैसे ही ये वापस आएंगी या आएंगे, आप दोनों में किसी बात को लेकर बहस होगी। मे बी इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे कांड किए हुए हैं जिसके कारण आप लोग के बीच में बहस ऑलरेडी हो चुकी है, तो इनको ये डर है कि वापस आने के बाद आप इनको फिर से उसी बात को लेकर, उसी मुद्दे को बनाकर इनको परेशान ना करो। तो इनके मन में एक डर भी है, अब वो जो भी मुद्दा रहा हो झगड़े का, लेकिन ये मिस कर रहे हैं तो ये भी सह लेंगी या ये भी सह लेंगे, ये वाली एनर्जी है। आपके पर्सन बस आ जाना चाहते हैं, अब इनसे डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा, हारमोनी चाहते हैं अपने लव लाइफ में, और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ पर आपको देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो वाइब्स हैं आपने देखी, कैसी वाइब्स हैं आपके पर्सन की,
अब फीलिंग्स की बात करें, कमिंग 36 आवर्स में किस तरह की फीलिंग्स रहेगी, तो इनको ऐसा लगता है कि इनको शांति तब मिलेगी जब ये आपके पास होंगे। जब तक ये आपके पास नहीं हैं, आपसे दूर हैं, आपसे नो कांटेक्ट में हैं, इनको शांति नहीं मिल रही, सुकून नहीं है इनके बॉडी में, इनको ऐसा लग रहा है कि सुकून गायब है। ये कहीं भी कुछ भी करें इनका मन नहीं लग रहा। इनको ऐसा भी लगता है कि मैंने अपने को करेक्ट करने की बहुत कोशिश की है, अपनी प्रीवियस गलतियों से सीखा है मैंने, और अब मैं जाकर कोई ऐसी गलती नहीं करूँगी या नहीं करूँगा जिससे हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम हो। और इन्होंने एक और प्लान भी बनाया हुआ है कि अगर ये आते हैं और आप गुस्सा करते हो या आप इनको प्रॉपर रिप्लाई नहीं करते हो तो ये इमोशनल ड्रामा भी करेंगे, थोड़ा सा इमोशनली आपको अपनी तरफ कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, कोई ऐसे एक्सक्यूजेस देंगे जो कि थोड़े इमोशनल हो और आप दोनों बैलेंस में आ जाएं। कुछ लोगों के पर्सन को ये भी नज़र आ रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक से आप देखिए कितनी गजब की एनर्जी है, वी हैव यिन एंड यांग कमिटमेंट एंड कनेक्शन। ये आपसे ऐसा भी कह सकते हैं कि हम दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, ये कनेक्शन टूट नहीं सकता और आगे चल के मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगी या दूंगा, हम दोनों अलग नहीं होंगे। तो ये झूठ नहीं है, इनके दिल की एनर्जी है, भले ये मजबूरी में हो, अभी ना दे पा रहे हों, बट आने वाले समय के लिए क्या ये प्लान कर रहे हैं वो चीज़ें भी ये आपसे डिस्कस करेंगी या करेंगे। सो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की एनर्जी कमिंग 36 आवर्स में इस तरह की होगी, काफ़ी रोमांटिक एनर्जी है। देखते हैं इमिजिएटली 36 आवर्स के अंदर क्या आप में से जो नो कांटेक्ट में हैं उनको कॉल मैसेजेस रिसीव होंगे। क्या आपको होप रखनी चाहिए कि 36 घंटे में आपके पर्सन रिटर्न आ जाएंगी या रिटर्न आ जाएंगे? क्या मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव होगा? एंजल्स, मदर गाया खुद आ गई, आपकी विश पूरी होगी गाइस। 9 नंबर एंड 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6-9 की एनर्जी है। सो यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी है और यूनिवर्स से आप प्रे कीजिए। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे टाइमलेस वीडियो है। कैसा अंधेरा हो गया ना एकदम इस कार्ड से। टाइमलेस वीडियो है, जब भी आप मदर गाया को देखा कीजिए, इमेजिन किया कीजिए अपने पर्सन को आपके साथ, कि वो आपके साथ हैं, उन्होंने आपसे शादी कर ली है, आप दोनों यूनियन में हैं, आप दोनों बहुत खुश हैं, आप दोनों का परिवार बहुत खुश है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये चीज़ें सक्सेसफुल होंगी। अगर आप मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इस रीडिंग को देखते टाइम अपनी आँखें बंद करें, अपने थर्ड आई चक्रा जहाँ पर लोग बिंदी लगाते हैं या जहाँ भोलेनाथ की तीसरी आँख है, वहाँ पर अपने आप को आँख बंद करके इमेजिन कीजिए कि आपके पर्सन का फ़ोन है, उनकी डीपी लगी हुई है, उनका नाम लिखा हुआ है और उन्होंने मैसेज टाइप करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द आपको मैसेज आ रहा है आपकी तरफ। ये इमेजिन करके से थैंक यू टू यूनिवर्स, आपकी विशेस यूनिवर्स ज़रूर पूरी करेगी। यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी भी हैं कुछ मैनिपुलेटिव लोग, अभी भी हैं कुछ सिचुएशंस, मे बी एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस, ट्रेडिशनल डिफरेंस, बिकॉज वी हैव गॉट हाई प्रीस्टेस। कुछ ना कुछ ऐसे राज हैं या कुछ ना कुछ ऐसी हिडन प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं आप दोनों को एक होने में, लेकिन आपके पर्सन का मन ही नहीं लग रहा। ये प्रॉब्लम होते हुए भी आपसे बात करना चाह रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं, यूनियन में आना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके बीच में पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा इन 36 घंटों के अंदर, बीच का रास्ता निकलेगा। आप लोगों के जो पार्टनर हैं वो कंप्लीशन चाहेंगे बिकॉज वी हैव द वर्ल्ड एनर्जी। आपके पर्सन की जो डिज़ायर है उसको फुलफिल किए बिना ये शांति से नहीं बैठेंगे, तो ये एनर्जी यहाँ से क्लियरली निकल कर आई है। यहाँ पर मैं लूँगी मदर गाया का मैसेज, कोई मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। मून विद डेथ, यहाँ पर देखिए जो भी अभी आने वाला फुल मून होगा उस फुल मून तक, अब ये फुल मून कब है मुझे तो अभी याद नहीं है, बट जो भी आने वाला इमिजिएटली जो भी मून है फुल मून उस तक एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कुछ बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं काफ़ी लोगों की लाइफ में
और ये जो चेंजेस हैं ये बहुत 360 डिग्री के चेंजेस हैं इमोशनल लेवल पे। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। 36 घंटे के अंदर अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है, टाइमलेस रीडिंग है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।